हेलो बच्चू, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी अपन रीड कर रहे थे और लाइन बाय लाइन अपन एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं इसकी। और अभी तक अपन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज और बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन, तीन चैप्टर कवर कर चुके हैं। तो तीनों की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है एडमिन फिजियो के नाम से चैनल पर अवेलेबल है, और सेपरेटली भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। दो तीन लेक्चर हैं जिसके अंदर अपन ने चैप्टर कवर किए हैं। तो किस तरह से, किस पैटर्न से अपन कवर कर रहे हैं वो आप सबको पता है कि अपन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रहे हैं, और साथ में जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए एग्जाम के क्वेश्चंस हैं उनको देख रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट, कौन सी टर्म, कौन सा इवन वर्ड जो है वो किस एग्जाम में पूछा गया है, उन पर अपन मेनली फोकस कर रहे हैं। और हर एक स्टेटमेंट और हर एक टर्मिनोलॉजी को ध्यान में रखते हुए चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। और एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं, किस तरह से एनसीईआरटी के स्टेटमेंट मॉडिफाई होकर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हमें पढ़ते टाइम जब जब बुक रीड कर रहे होते हैं तो किस तरह की बातों पर फोकस रखना चाहिए, उन सब चीजों को लेकर अपन चल रहे हैं। तो जहां तक बात है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम की, चैप्टर नंबर 19 क्लास 11, तो इसका ऑन एन एवरेज वेटेज अगर देखोगे बच्चों तो कितना होता है इसका? दो क्वेश्चन से चार क्वेश्चन तक वेटेज है नीट के अंदर। यानी नीट 2013 से लेकर आप 2021 तक की अगर बात करोगे तो ऑन एन एवरेज नीट 2019 में इससे अच्छे खासे सवाल पूछे गए थे, चार सवाल पूछे गए थे, ठीक है। बाकी ऑन एन एवरेज इसके दो तीन क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। और जैसे अपन ने प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस किया था कि एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है, एक चैप्टर में एक या दो टॉपिक जो कि एग्जामिनर हाईलाइट रखता है, उनसे सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं अगर अपन पिछले सालों के ट्रेंड को ऑब्जर्व करें और एनालाइज करें तो। लेकिन इसके अंदर मेन ऐसा कोई टॉपिक है नहीं। हाँ, नेफ्रॉन और नेफ्रॉन के फंक्शन जो हो गए, जहां पर अपन पढ़ते हैं पीसीटी, हेनले लूप और डीसीटी, उस वाले पॉइंट से थोड़े ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होती है। बाकी ऑन एन एवरेज पूरे चैप्टर से ही पूछे जाते हैं सवाल, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड वे में है। हर एक टॉपिक से हर साल कोई ना कोई सवाल है उठाया गया है। तो इस चैप्टर को अपन ज्यादा लेंथी लेक्चर नहीं लेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर कवर करेंगे, 40 एक मिनट के करीब का ही लेक्चर रखेंगे, क्योंकि अपने पास खूब सारा टाइम है और इजी पढ़ने में। एक चैप्टर अगर अपन 3 दिन में भी करते हैं तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। तो छोटे पार्ट्स में रखेंगे, ज्यादा वर्कलोड और ज्यादा बर्डन नहीं लेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो जहां तक बात है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की, तो क्या क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो सकते हैं? एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, CO2, इवन वाटर, इंपॉर्टेंट टू नोट वाटर, ये भी इंक्लूड है ना, स्टार बना के ध्यान रखना है इसमें। आयंस हो गए जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, फॉस्फेट हो गया, सल्फेट हो गया, ये सब चीजें एक्यूमुलेट होती रहती हैं बॉडी के अंदर, जिनकी अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो बॉडी के लिए ये हार्मफुल हो सकती है। तो आइदर बाय, अब ये किस तरह से एक्यूमुलेट होती है, कहां से आती है, कि आइदर बाय द मेटाबॉलिक एक्टिविटी और बाय देयर मीन ऑफ एक्सेस इजेशन। यानी या तो इनको शरीर के अंदर हम ज्यादा खाते हैं तब ये बॉडी के अंदर बढ़ जाती है, और या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारी सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिज्म हो रही है उनके द्वारा बनने वाले बाई प्रोडक्ट्स के रूप में प्रोड्यूस होती हैं और सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाती है। तो सेल के अंदर एक हर एक, चाहे वो कोई आयन है, चाहे वो कोई कंपाउंड है, कोई किसी भी तरह का कोई भी केमिकल एलिमेंट जो है, उसकी एक स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन होती है, एक नॉर्मल ऑप्टिमम कंसंट्रेशन होती है, जिस जिस कंसंट्रेशन पर सेल जो है वो नॉर्मल फंक्शन करती है। अगर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो भी समस्या, कम हो जाएगी तो भी समस्या। जैसे वाटर, अगर वाटर बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन होने लगेगा, बॉडी उसको क्या कर देगी, रिलीज आउट कर देगी। और अगर वाटर अमाउंट जो है बॉडी में कम हो गया तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन बन जाती है, ठीक है। तो हर एक, चाहे यूरिया है, अमोनिया, अमोनिया भी हमारी बॉडी में बनती है, लीवर जो है अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट करता है, तो अमोनिया तो हाईली टॉक्सिक होती है। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी भी ज्यादा हुई तो सेलुलर फंक्शन जो है वो बहुत ज्यादा एडवर्सली इफेक्ट होंगे। इवन यूरिया, अगर ब्लड के अंदर यूरिया बढ़ जाए तो भी प्रॉब्लम है,
किसी भी तरह का आयन जो है, आयन्स की अगर कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो पीएच रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हर एक कोई भी एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड जो है, जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिकली यूटिलाइज हो रहा है, तो उसकी एक ऑप्टिमम कंसेंट्रेशन बने रहना जरूरी है। तो अगर वो ज्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, और कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम है। तो हमारी बॉडी जो है, या इवन एनिमल्स की बॉडी जो है, वो किस तरह की चीजों को एक्यूमुलेट करती हैं? अमोनिया को, यूरिया को, यूरिक एसिड, CO2 हो गई, वाटर हो गया ना, आयंस हो गए, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट। तो या तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी के द्वारा होते हैं, और या एक्सेस इजेशन, यानी कि आपने फूड के अंदर ऐसा फूड लिया है जिसके अंदर इनकी अमाउंट जो है वो ज्यादा है। These substances have to be removed totally or partially. बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, ध्यान रखने वाले, कि इन सबस्टांस को टोटली या पार्शली रिमूव करने की आवश्यकता होती है। देखिए यहां लाइन को ध्यान से समझिएगा, यहां इसने लिखा है कि टोटली और पार्शली, यानी कुछ चीजें हैं जिनको कंप्लीटली रिमूव करना होगा और कुछ चीजें हैं जिनको पार्शली रिमूव करना होगा। आप सारी चीजों को अगर कंप्लीटली रिमूव कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है? तो कुछ को पार, जैसे वाटर है, तो बॉडी से वाटर कंप्लीटली रिलीज आउट थोड़ी ना हो जाता है। जितनी मात्रा में रिक्वायर्ड है, जितनी जरूरत है, उतना तो बॉडी में रखा जाता है, इवन चाहे आयंस हो, चाहे यूरिया हो। तो ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए कुछ कंसंट्रेशन रखना जरूरी होता है। तो ना किसी भी चीज को कंप्लीटली रिलीज आउट नहीं किया जाता। जैसे अमोनिया है, तो अमोनिया का कन्वर्जन होता है, क्योंकि अमोनिया अगर थोड़ी सी भी ज्यादा बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी, टॉक्सिक होने लग जाएगी। तो कुछ सबस्टांस ऐसे हैं जो सेल्स के लिए या बॉडी फंक्शन के लिए हार्मफुल होते हैं, उनको टोटली रिमूव किया जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको पार्शली रिमूव किया जाता है। इस चैप्टर के आप पढ़ोगे कि यू विल लर्न द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दीज सबस्टांस। तो इस चैप्टर में अपन इस इन सबस्टांस को कैसे रिमूव करती है बॉडी, उसके बारे में पढ़ेंगे, विद अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन द कॉमन नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो मेनली जो चीजें हैं एक्सक्रेटरी वेस्ट के रूप में, वो कौन सी होती है? नाइट्रोजिनस वेस्ट देखने को मिलते हैं। नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो होते हैं वो एक्सक्रेटरी मटेरियल के रूप में रिलीज आउट किए जाते हैं। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन, वेर यूरिक एसिड बीइंग लीस्ट टॉक्सिक कैन बी रिमूव्ड विद द मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। तो ये भी एक चीज है कि एक्सक्रीशन का प्रोसेस है, तो एक्सक्रीशन सीधी तो नहीं किया जा सकता, एक मीडियम चाहिए चीजों को रिलीज आउट करने के लिए। तो वो मीडियम का काम कौन कर रहा है? वो मीडियम का काम कर रहा है वाटर। तो जो ज्यादा टॉक्सिक है उसके रिमूवल की जरूरत भी जल्दी होगी, और उसको रिमूव करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। तो जैसे कि अमोनिया है, तो अमोनिया लार्ज टॉक्सिक, मतलब अपने मोस्ट टॉक्सिक है, तो इसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली आप देखेंगे कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना, एक्वेटिक हैबिटेट वाले, उन एनिमल्स के अंदर आपको एक्सक्रीटरी वेस्ट के रूप में अमोनिया देखने को मिलेगा, क्योंकि उनको वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना कम करना पड़ता है। हाँ, ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स आती हैं उनको, लेकिन एक्सक्रीशन के लिए वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम उनको नहीं आएगी। तो मोस्ट टॉक्सिक है, तो इसको कन्वर्जन करने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ी। आप इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू देखिए इसका, जैसे जब तक लाइफ वाटर के अंदर थी तो ठीक है, अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, बट फिर भी इसके रिमूवल के लिए संसाधन उपलब्ध थे, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही थी। तो अमोनिया को डायरेक्टली बिना कन्वर्ट किए ही रिलीज आउट किया जा रहा है, तो अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा चाहिए इसके लिए। लेकिन जब लाइफ वाटर से, पानी से निकलकर बाहर जमीन पर आई, तो एक्सक्रीशन रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि अमोनिया को रिलीज करने के लिए ज्यादा मात्रा में वाटर चाहिए, और टेरेस्ट्रियल लाइफ के पास में इतना अवेलेबल वाटर है नहीं। तो क्या किया गया, अमोनिया को कन्वर्ट किया गया, ठीक है ना? अमोनिया जो थी, अमोनिया को किसमें कन्वर्ट कर दिया? यूरिया में कन्वर्ट कर दिया। तो यूरिया एज कंपेयर टू अमोनिया के लीस्ट टॉक्सिक है, एज कंपेयर टू अमोनिया, मैं कंप्लीट नहीं कह रहा हूं। तो यूरिया में कन्वर्ट किया, यूरिया कम टॉक्सिक है, तो वाटर रिक्वायरमेंट की, जो वाटर रिक्वायरमेंट था वो भी कम है, तो अब वाटर अमाउंट जो है वो कम चाहिए यूरिया को एक्सक्रेट करने के लिए। फिर जो और ज्यादा, जैसे कि डेजर्ट एरिया जैसी के अंदर लाइफ पहुंची, जहां वाटर की अवेलेबिलिटी ना के बराबर थी, तो और लीस्ट टॉक्सिक बनाना पड़ा। तो उसके अंदर जो है उसको कंसंट्रेट भी ज्यादा कर दिया, क्योंकि डाइल्यूट रखने के लिए भी तो वाटर चाहिए, तो उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? उसको कन्वर्ट कर दिया यूरिक एसिड के अंदर।
तो यूरिक एसिड को रिलीज आउट, यूरिक एसिड दो पेस्ट की फॉर्म में रिलीज होता है, तो इसके लिए तो इतनी ज्यादा अमाउंट के अंदर वाटर की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा वाटर किसमें चाहिए? अमोनिया में। अमोनिया से कम किसमें चाहिए? यूरिया में। और यूरिया से भी कम किसमें चाहिए? यूरिक एसिड के अंदर। और टॉक्सिसिटी, अमोनिया जो है वो सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, यूरिया उससे कम टॉक्सिक है, और यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक है। तो टॉक्सिसिटी को रिड्यूस किया गया ताकि अगर कुछ देर तक, इवन कुछ घंटों तक भी अगर बॉडी के अंदर ये एक्यूमुलेट है तो बॉडी फंक्शन प्रॉब्लम उनको हार्म ना करे, उनको किसी तरह की दिक्कत ना पहुंचाए। तो ये बड़ा एक मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है बड़ा इंटरेस्टिंग एवोल्यूशनरी वे है कि नेचर ने किस तरह से चीजों को जो जो जो, जो चैलेंज आ रहे थे उनको कैसे डील किया है, किस तरह से उनके सॉल्यूशन निकाले। भाई जब तक लाइफ पानी में थी तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो प्रॉब्लम नहीं थी, पानी वाटर की अवेलेबिलिटी थी, तो कहां जरूरत थी कन्वर्जन की। लेकिन जब लाइफ टेरेस्ट्रियल हुई तो वाटर अमाउंट जो अवेलेबल अमाउंट थी वो कम हो गई, रिक्वायरमेंट जो थी वो ज्यादा थी। तो कुछ ऐसी मैकेनिज्म अपनानी थी कि रिक्वायरमेंट को भी कम किया जाए क्योंकि अवेलेबिलिटी कम है, तो यूरिया में कन्वर्ट कर दिया। लाइफ जब डेजर्ट में पहुंची तो वहां तो ना के बराबर था पानी, तो लगा कि और ज्यादा टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करो, मतलब बिल्कुल ही ऐसे कर दो कि पानी की जरूरत बहुत ही कम पड़े, तो यूरिक एसिड बना दिया। तो एक बड़ा ही सिक्वेंस के अंदर इन चीजों का इवोल्यूशन हुआ है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए कि अमोनिया को एक्सक्रीशन करने का जो प्रोसेस है, यहां ध्यान रखिएगा, उसे क्या कहते हैं? अमोनोटेलिज्म कहा जाता है। अमोनिया को एक्सक्रीट करने का प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है? वो अमोनोटेलिज्म कहलाता है। ठीक है, वन सेकेंड बच्चों, मैं चेक कर लूं स्ट्रीमिंग सही चल रही है क्या। है ना? ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया को एक्सक्रीट करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? अमोनोटेलिज्म कहलाता है। क्या कहते हैं? अमोनोटेलिज्म। तो किस किस के अंदर, कौन कौन से ऐसे एनिमल हैं जिन जो अमोनोटेलिक होते हैं? तो ऐसे एनिमल जो अमोनिया को रिलीज करते हैं उन्हें अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है? वो अमोनोटेलिज्म कहलाता है। तो अमोनोटेलिक एनिमल होते हैं, अमोनोटेलिज्म एक प्रोसेस है। एग्जाम्पल हो गए इसके, मैनी बोनी फिशेज हो गई, एक्वेटिक एम्फीबियंस हो गई, एक्वेटिक इंसेक्ट हो गए, ये कैसे होते हैं? ये अमोनोटेलिक इन नेचर होते हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि एक्वेटिक जो एनिमल है या एक्वेटिक लाइफ जो है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? उसके अंदर आपको अमोनोटेलिक एनिमल या अमोनोटेलिज्म देखने को मिलेगी, क्योंकि लार्ज अमाउंट अवेलेबल है वॉटर का और अमोनिया है, तो एक्सक्रीट करने के लिए कोई दिक्कत है नहीं उनको। तो देखिए कि अमोनिया एज इट इज रीडली सॉल्युबल is generally excreted by the diffusion across the body surface or through gill surface in फिसेज। फिसेज के अंदर अमोनिया को रिलीज आउट कैसे किया जाता है? गिल सरफेस के थ्रू किया जाता है। ठीक है, और या फिर इसको किससे? बॉडी सरफेस से किया जाएगा और या फिर अमोनियम आयन की फॉर्म में किया जाएगा। तो देखिए दो तरीके हैं यहां पर, दो तरीके कौन कौन से हैं? एक तो ये है कि गिल्स एक तो स्ट्रक्चर हो गई एक्सक्रीट करने की, कि गिल्स के थ्रू एक्सक्रीट कर दिया और दूसरा बॉडी सरफेस के थ्रू एक्सक्रीट कर दिया। ठीक है, और किस फॉर्म में एक्सक्रीट किया? अमोनियम आयन की फॉर्म में एक्सक्रीट किया। किस फॉर्म के अंदर? अमोनियम आयन। तो आप स्टेटमेंट को दोबारा रीड करें कि ये सॉल्युबल है, जनरली एक्सक्रीटेड बाय द डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सरफेस और गिल सरफेस। तो या तो बॉडी सरफेस से एक्सक्रीट किया जाएगा या फिर गिल सरफेस से, जैसे कि फिसेज के अंदर हो गया। और किस फॉर्म में? अमोनियम आयन की फॉर्म में एक्सक्रीट किया जाता है। किस फॉर्म में एक्सक्रीट किया जाता है? अमोनियम आयन की फॉर्म में इसको एक्सक्रीट किया जाता है। अब देखिए यहां से सवाल कैसे बन सकते हैं। तो अमोनिया रिलीज करने का प्रोसेस अमोनोटेलिज्म,
अमोनिया रिलीज करने वाले एनिमल अमोनोटेलिक, ठीक है। अमोनिया कैसी है? सॉल्युबल है। किसके थ्रू इसको एक्सक्रीट किया जाता है? डिफ्यूजन, जैसे कि बॉडी सरफेस से हो गया और गिल सरफेस से हो गया। और किस फॉर्म में? अमोनियम आयन की फॉर्म। इससे ज्यादा यहां से क्या सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो डिफ्यूजन होता है या तो बॉडी सरफेस से या गिल सरफेस से, और किस फॉर्म में होता है? अमोनियम आयन की फॉर्म में होता है। तो याद हो गया ये। और बेसिकली ये किसके लिए एडेप्टेशन है? एक्वेटिक लाइफ के लिए। फिर देखिए किडनी, किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है कि अमोनिया के रिमूवल में किडनी का कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं है। अमोनिया के एक्सक्रीशन में, बच्चों ध्यान दीजिएगा, अमोनिया के एक्सक्रीशन में किडनी का कोई इंपोर्टेंट या कोई महत्वपूर्ण रोल देखने को नहीं मिलता है। फिर टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन की बात करें, तो टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन की बात करोगे तो नेसेसिटेटेड द प्रोडक्शन ऑफ द लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड, कंजर्वेशन ऑफ वॉटर। तो ये आवश्यकता थी टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए एडेप्ट होने के लिए कि प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट, कि अमोनिया से कम टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट बने बॉडी में, जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड, फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ताकि पानी को संरक्षित किया जा सके, कंजर्व किया जा सके, स्टोर किया जा सके, बचाया जा सके। क्यों? क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है। टेरेस्ट्रियल लाइफ के पास में अमाउंट ऑफ वाटर जो है, अवेलेबल अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो कम है। फिर मैमल्स की बात करें तो मैमल्स हो गए, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन हो गए, मैरीन फिशेज हो गई, तो मेनली एक्सक्रीट यूरिया एंड कॉल्ड यूरियोटेलिक। तो यहां देखिए कुछ एक्वेटिक भी ऐसे हैं, लेकिन ये एक्वेटिक वो हैं जो कि एडवांस टाइप के हैं, इवॉल्व हैं, जिनके अंदर है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने की मैकेनिज्म इवॉल्व हो गई। तो कई मैरीन फिशेज हो गई और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन, जबकि अमोनिया जो थी वो किसके अंदर थी? अमोनिया बच्चों एक्वेटिक एम्फीबियन के अंदर थी। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है ना, छोटे छोटे, ये पता होने चाहिए, एक्वेटिक एम्फीबियन और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन। तो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन के अंदर क्या है? यूरिया है। और एक्वेटिक एम्फीबियन के अंदर क्या है? अमोनिया है, ठीक है। मेनी बोनी फिशेज अमोनोटेलिक है और कुछ मैरीन फिशेज जो है वो यूरियोटेलिक है। तो यूरियोटेलिक किसे कहते हैं? ऐसे एनिमल जो यूरिया रिलीज आउट करते हैं एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट, उन्हें यूरियोटेलिक कहा जाता है। क्लियर हुआ? फिर अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म एंड कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लीवर ऑफ दीज एनिमल एंड रिलीज्ड इनटू द ब्लड व्हिच इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनी। यहां जो यूरियोटेलिक है उनके अंदर किडनी का बहुत सिग्निफिकेंस है। क्यों? देखिए मेटाबॉलिज्म के तौर पर अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है, फिर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कौन कर रहा है? लीवर कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। अमोनिया को यूरिया में कौन कन्वर्ट करता है? लीवर। फिर उस यूरिया को, अमोनिया को यूरिया में लीवर कन्वर्ट कर रहा है, और फिर उस यूरिया को ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज किया जा रहा है। फिर वो ब्लड कहां पहुंचता है? वो ब्लड पहुंचता है किडनी में, और किडनी में उसे फिल्टर करके यूरिया को यूरिन फॉर्म कर दिया जाता है और रिलीज आउट कर दिया जाता है। लेकिन कुछ जो है, कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया, जैसे अपन ने पहला स्टेटमेंट देखा था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको पार्शली ही रिमूव किया जाता है, कंप्लीटली रिमूव नहीं किया जाता, तो सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम ऑफ दीज एनिमल टू मेंटेन ए डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी। तो ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया जो है वो किडनी के अंदर रिटेन कर ली जाती है या रख ली जाती है। फिर कुछ रेप्टाइल्स हो गए, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल, हिंदी में बोलते हैं घोंघे, ठीक है ना, हिंदी में क्या कहते हैं स्नेल को? घोंघे कहा जाता है। एंड इंसेक्ट, ये किसकी बात हो रही है? रेप्टाइल की, बर्ड्स की। लैंड स्नेल और लैंड इंसेक्ट इंपॉर्टेंट, यहां एक्वेटिक इंसेक्ट है। एक्वेटिक इंसेक्ट जो है वो अमोनोटेलिक है बच्चों, एक्वेटिक इंसेक्ट जो है वो अमोनोटेलिक है, और लैंड इंसेक्ट जो है वो यूरिकोटेलिक है।
लैंड इंसेक्ट जो है वो कैसे हैं, वो यूरिकोटेलिक है। ये क्या एक्सक्रीट कर रहे हैं, एक्सक्रीट नाइट्रोजिनस वेस्ट है, ये यूरिक एसिड, ये यूरिक एसिड को एक्सक्रीट कर रहे हैं। तो यूरियोटेलिक, स्पेलिंग का फर्क है, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। बेसिक डिफरेंस देखिए, यूरियोटेलिक यूरिया एक्सक्रीट करने वाले हैं, यूरिकोटेलिक यूरिक एसिड। तो यूरिक के अंदर शुरुआत यू से और खत्म सी से होता है, यूरिक और यूरिया, तो दोनों को वर्ड से आप मैच कर सकते हो, आपको समझ आ जाएगा। तो यूरिक एसिड जो है इन द फॉर्म ऑफ पेलेट और पेस्ट, पेस्ट के लिए ही टर्म यूज होती है पेलेट, विद द मिनिमम लॉस ऑफ वाटर आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक एनिमल। तो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने में वाटर अमाउंट जो है वो बहुत ही कम चाहिए। तो अब देखिए टॉक्सिसिटी और रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, दोनों का ऑर्डर आपको मैंने बताया था, हाईली टॉक्सिक है अमोनिया, उससे कम यूरिया, सबसे कम यूरिक एसिड, सबसे ज्यादा वाटर चाहिए अमोनिया को रिलीज आउट करने में, फिर उससे कम चाहिए यूरिया को, और सबसे कम चाहिए यूरिक एसिड। और एक्वेटिक एम्फीबियन और एक्वेटिक इंसेक्ट, इनका खास तौर से ध्यान रखिएगा, क्योंकि टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन यूरियोटेलिक होते हैं, जबकि टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट जो है, लैंड इंसेक्ट जो है वो यूरिकोटेलिक होते हैं। तो ये बेसिक बेसिक डिफरेंस जो है बच्चों आपको पता होना चाहिए। और यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया था ना, यहां से एक सवाल पूछा गया था, मैंने चेक किया था, मैं जब पढ़ रहा था, ठीक है। तो ए प्रीवियस ईयर के अंदर ये खास तौर से ध्यान में रखिएगा बच्चों कि यहां से सवाल जो है वो आते हैं। मैं आपको बता देता हूं, इसके अंदर मैंने देखा था, मुझे अभी मिल नहीं रहा है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन और इसके अंदर, ठीक है यार, AIPMT 2009 का सवाल था, मैंने चेक किया था, मुझे याद आ रहा है ना। तो ये सवाल ये था कि यूरिक एसिड इज द चीफ नाइट्रोजिनस कंपोनेंट ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ, कि किसके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में यूरिक एसिड को रिलीज किया जाता है। AIPMT 2009 का क्वेश्चन है, AIPMT 2009 का। तो अर्थवर्म हो गया, कॉकरोच हो गया, फ्रॉग हो गया और मैन हो गया, आप बताइएगा, रिप्लाई कीजिएगा बच्चों। अर्थवर्म, कॉकरोच, फ्रॉग और ह्यूमन, किसके अंदर यूरिक एसिड को रिलीज किया जाता है, किसमें यूरिक एसिड को रिलीज किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स के बारे में। तो जैसा आपने एनिमल किंगडम के अंदर देखा था कि ये सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट ए वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, आप अगर एनिमल किंगडम को देखोगे तो एनिमल किंगडम क्या बताता है कि जैसे जैसे एनिमल्स इवोल्व हुए हैं उसी तरह से उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं वो भी डिफरेंट टाइप से, जिस तरह का हैबिटेट है उनके, जिस तरह की कंडीशन में वो रह रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी इवोल्व हुए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी बदले हैं, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिलीज करने के लिए जो मैकेनिज्म है वो भी बदली है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिलीज करने के लिए जो मैकेनिज्म है, जो स्ट्रक्चर है उनको रिलीज करने वाली या उन्हें बनाने वाली भी बॉडी के अंदर वेस्ट है, तो उन वेस्ट को बॉडी फ्लूड से सेपरेट करना है। तो कोई ना कोई तो ऐसा सिस्टम चाहिए ना बॉडी के अंदर जो बॉडी फ्लूड से वेस्ट को सेपरेट कर सके। तो वो जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं उन स्ट्रक्चर को एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होती है जो हमारे या किसी भी एनिमल के बॉडी फ्लूड से वेस्ट प्रोडक्ट्स को सेपरेट करती हो, वेस्ट प्रोडक्ट को सेपरेट करती हो, उन स्ट्रक्चर्स को एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट, ठीक है, ये स्ट्रक्चर सिंपलर ट्यूबुलर फॉर्म के अंदर होती है और वर्टिब्रेट के अंदर कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर फॉर्म में होती है। तो जो इनवर्टिब्रेट है उनमें तो सिंपल ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है ना, तो नेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। और जो हाईली ट्यूबुलर ऑर्गन है वो क्या है, वो किडनी है। तो हायर एनिमल में किडनी देखने को मिलती है, तो देखिए कि सम ऑफ दीज स्ट्रक्चर आर मेंशन हियर, प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम्स है, ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होती है, प्लेटी हेलमिंथीज जैसे कि फ्लैट वर्म और प्लेनेरिया हो गए, ठीक है। प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल कहा जाता है, तो फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रिडिया जो होते हैं वो किसके अंदर देखने को मिलते हैं, वो प्लेटी हेलमिंथीज फ्लैट वर्म में देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा रोटिफर में देखने को मिलेंगे, सम एनालिट्स के अंदर देखने को मिलेंगे,
और कुछ सिफेलोपोडेट जैसे कि एम्फीऑक्सिस हो गए उनमें देखने को मिलेंगे। तो प्रोटोनेफ्रिडी आर प्राइमरीली कंसर्न विद द आयनिक एंड फ्लूड वॉल्यूम रेगुलेशन। ऑब्वियसली बात है कि वेस्ट को हटाएंगे तो फ्लूड वॉल्यूम जो है वो रेगुलेट तो होगी, आयनिक बैलेंस भी होगा। और ये सवाल पूछा गया था नीट 2019 में। ये कब पूछा गया था? ये सवाल आया था नीट 2019 में, डायरेक्टली क्वेश्चन था ये। ठीक है, कि प्रोटोनेफ्रिडिया जो होते हैं वो किसके अंदर होते हैं। तो प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन प्लेटीहेलमिंथीज। एग्जाम्पल है जैसे कि प्लेनेरिया हो गया, रोटिफर्स हो गए, सम एनेलिड हो गए, और द सिफेलोकोडेट जैसे कि एम्फीऑक्सिस हो गया। और सबसे पहला काम जो है इनका वो क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन है। तो ऑब्वियसली बात है कि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो होती है वो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए ही होती है। फिर सेकेंड आगे देखिए, ये कहता है कि नेफ्रिडिया ये भी ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, किसके अंदर देखने को मिलती है? अर्थ वर्म और अदर एनेलिड के अंदर देखने को मिलती है। कुछ एनेलिड में प्रोटोनेफ्रिडिया है, कुछ में नेफ्रिडिया है, और नेफ्रिडिया वाले का एग्जाम्पल है अर्थवर्म। नेफ्रिडिया वाले का एग्जाम्पल क्या है? अर्थवर्म। तो ध्यान रखें कि जो एनेलिड्स हैं उनके अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया भी हैं और नेफ्रिडिया भी है। कुछ के अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया है, कुछ के अंदर नेफ्रिडिया है। तो एग्जाम्पल हो गए सम अदर एनेलिड और अर्थवर्म। नेफ्रिडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड मेंटेन फ्लूड एंड आयनिक बैलेंस। फिर कुछ के अंदर आपको मेलपिगिन ट्यूबुल्स मिलेगी, आर द एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉकरोच। ये भी अच्छा एग्जाम्पल है, अच्छा सवाल है। अर्थवर्म में नेफ्रिडिया है, कॉकरोच के अंदर मेलपिगिन ट्यूबुल्स है। अर्थवर्म में नेफ्रिडिया है और कॉकरोच में मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स है। तो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स हेल्प इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड द ऑस्मो रेगुलेशन। तो जो भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है ना उसका ये फंक्शन तो कॉमन है कि वो ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन तो करेगी करेगी। फिर एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड ये भी एक्सक्रीटरी फंक्शन करती है, जैसे कि प्रॉन्स हो गए, क्रस्टेशियन होते हैं ना, झींगे जिनको कहते हैं, तो क्रस्टेशियंस के अंदर एंटीनल ग्लैंड। तो अब देखिए, प्रोटोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया, मेलपिगियन ट्यूब्यूल और एंटीनल ग्लैंड। प्रोटोनेफ्रिडिया को फ्लेम सेल भी कहते हैं और एंटीनल ग्लैंड जो होती है उन्हें ग्रीन ग्लैंड भी कहते हैं। चार स्ट्रक्चर है यहां पर, किडनी हाइयर के अंदर है। प्रोटोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, ग्रीन ग्लैंड या एंटीनल ग्लैंड। अगेन रिपीट कीजिए, प्रोटोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स और एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड। चार तरह की एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर आपको लोअर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। ठीक है, हालांकि ये सेफेलोकॉर्डेट के अंदर, सेफेलोकॉर्डेट जो है ये आगे हाइयर के अंदर आ जाते हैं, बट इनके अंदर भी क्या है? प्रोटोनेफ्रिडिया है। और उससे जो आगे जो इवॉल्व होंगे उनके अंदर फिर गिल्स आ जाएंगे, बॉडी सरफेस हो जाएगी एक्वेटिक के अंदर, और धीरे धीरे जैसे जैसे लाइफ टेरेस्ट्रियल होती जाएगी वहां धीरे धीरे आगे मैमल्स तक पहुंचते पहुंचते आपको किडनी दिखने लग जाएगी। तो किडनी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, बाकी स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल ट्यूब्यूल्स है जो कि बॉडी फ्लूड से वेस्ट सबस्टांस को सेपरेट करती है। तो ये बेसिक एग्जांपल बच्चों, खास तौर से ध्यान रखना, नेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया ये दोनों के दोनों ऑप्शन में थे नीट 2019 में। ठीक है ना, और ये एनिमल किंगडम में भी है तो दोनों चैप्टर से बिलोंग करते हैं, इसलिए इन पर खास तौर से फोकस रखना। बस चार चार पॉइंट हैं और एग्जाम्पल्स हैं, टेबल बनाइए और इसको याद कर लीजिए। नीट कमांडो, हेलो शिक्षा, ओम प्रकाश, बड़े अजीबोगरीब नाम रखते हो यार तुम। तो ये एक्सक्रीटरी सबस्टांस और एक्सक्रीटरी सबस्टांस की टॉक्सिसिटी, उनके लिए रिक्वायरमेंट वाटर, और उन्हें एक्सक्रीट आउट करने और बॉडी फ्लूइड से सेपरेट करने के लिए प्रेजेंट स्ट्रक्चर के बारे में था। ध्यान दीजिएगा, एक्सक्रीटरी सबस्टांस क्या क्या है, उनकी टॉक्सिसिटी का लेवल क्या क्या है, उनके लिए अमाउंट ऑफ वाटर कितनी चाहिए। सिर्फ इसके साथ में आप ये भी इंक्लूड कर सकते हो कि वो किस तरह के हैबिटेट में किस तरह के एक्सक्रीटरी सबस्टांस देखने को मिलते हैं, और फिर उन एक्सक्रीटरी सबस्टांस को बॉडी फ्लूड से सेपरेट करने के लिए जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है,
वो किस तरह के एनिमल में किस तरह का है, इन बातों पर अपन ने डिस्कस किया। अब बात करते हैं अपन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। ह्यूमन बींग के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो कैसा होता है, तो अगर बात करें बच्चों ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, जो कि ये एग्जैक्ट डायग्राम जो है वो एग्जाम के अंदर पूछा गया है नीट 2013। बच्चों ये डायग्राम जो है वो कब पूछा गया है, नीट 2013 में पूछा गया है, ठीक है ना। खास तौर से ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट ये डायग्राम पूछा गया है नीट यूजी 2013, खास तौर से। तो ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, ह्यूमन के अंदर क्या होता है, ह्यूमन में किडनी प्रेजेंट होती है, ह्यूमन में क्या प्रेजेंट होता है, किडनी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इन ह्यूमेन्स द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनीज, ध्यान रखिएगा कितनी है, एक पेयर, एक जोड़ी है, एक पेयर ही आपको यूरेटर देखने को मिलेंगे। तो ये एक, ये हो गई, ये हो गई, और यूरेटर जो है ये देखिए ये वाला क्या है, यूरेटर है जो कि यूरिनरी ब्लेडर को आ रहा है, तो एक पेयर यूरेटर हो गया, एक यूरिनरी ब्लेडर और एक यूरेथ्रा होगा। तो यूरिनरी ब्लेडर एक है, यूरेथ्रा एक है, यूरेटर दो है, किडनी दो है, ये बेसिक डेटा है, गलत हो जाता है। सिर्फ ए पेयर और पेयर को हटा दिया, सीधा लिख दिया कि ए किडनी प्रेजेंट और ए पेयर ऑफ यूरिनरी ब्लेडर प्रेजेंट, तो गलत हो जाएगा, ए पेयर ऑफ यूरिनरी ब्लेडर गलत है, ए किडनी गलत है। एनसीईआरटी को पढ़ना सीखो। हाँ बहुत ही सिंपल सी बात है, आई नो तुम्हें पता होगा, बट फिर भी जिन बच्चों के ये चीजें ध्यान में नहीं आती है वो समझे कि किडनी एक पेयर है, ठीक है ना, दो किडनी प्रेजेंट होती है, दो ही यूरेटर होते हैं, एक यूरिनरी ब्लेडर होता है और एक क्या होता है, यूरेथ्रा होता है, ठीक है। किडनी होती कैसी है, किडनी आर है रेडिश ब्राउन, बीन शेप, सेम की आकृति की होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे बोल सकते हो आप। कहां प्रेजेंट होती है, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, लोकेशन का ध्यान रखिएगा, लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा, फिर क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी डोर्सल यानी कि पीछे की तरफ, ये हमारा जो चेस्ट वाला रीजन है ये वेंट्रल है, जो हमारी बैक साइड है वो डोर्सल है, तो पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ इनर वॉल की साइड में, एब्डोमिन कैविटी के अंदर, पीछे की तरफ इनर साइड में एब्डोमिन कैविटी में। ईच किडनी एक अडल्ट ह्यूमेन में 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ में होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर इसकी क्या देखने को मिलती है आपको, विड्थ देखने को मिलती है, 5 से 7 सेंटीमीटर विड्थ, 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होगी, और एवरेज वेट जो होता है 120 से 170 ग्राम होता है। टूवर्ड द सेंटर ऑफ इनर कॉनकेव सरफेस ऑफ द किडनी, ये नोच कोल्ड हाइलम, स्ट्रक्चर देखिए आप नोच। अब मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा मुझे ढंग से डायग्राम बनाने दें। ओके, जैसे कि ये है किडनी, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है बच्चों कि टुवर्ड द सेंटर ऑफ इनर कॉनकेव, तो ये सरफेस कॉनकेव है और ये वाली सरफेस जो है वो कॉनवेक्स है, ठीक है, ये कॉनवेक्स है और ये वाली कॉनकेव है। तो यहां जो नोच प्रेजेंट है, यहां, यहां नोच का मतलब है एक ओपनिंग प्रेजेंट है जिसे क्या कहते हैं, हाइलम। तो हाइलम कौन सी जगह है, ये वाली जगह हाइलम होती है, ये वाली जगह क्या है, हाइलम है, ठीक है ना। तो कॉनकेव सरफेस पर एक नोच प्रेजेंट है और उस नोच को क्या कहते हैं, उस नोच को हाइलम कहा जाता है। अब ये हाइलम जो है इसके थ्रू चीजें एंटर करती हैं, ठीक है, किसमें एंटर करती हैं, अब देखिए हाइलम थ्रू विच यूरेटर एंड ब्लड वेसल एंड नर्व एंटर, ठीक है। अब देखिए एंड आप यहां पर ही एक बेसिक स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं, एंटर वो करते हैं जो चीजों को लेकर आते हैं, एग्जिट वो करते हैं जो चीजों को ले जाते हैं। तो आप यूं कह सकते हो कि आर्टरीज और नर्व्स ये तो एंटर करती हैं और वीन्स और यूरेटर ये एग्जिट करते हैं, क्योंकि यूरेटर यूरिन को लेकर जाएगा, वीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगी, आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाएगी और नर्व्स जो है वो इम्पल्स को लेकर आएगी, है ना। तो नर्व्स और आर्टरीज एंटर करती हैं, वीन्स और यूरेटर जो है
वो एग्जिट आउट होते हैं। बाकी वैसे ये हाइलम एक वो पॉइंट है जहां से ब्लड वेसल, नर्व्स और यूरेट्रा जो है आप एंटर या एग्जिट कैसे भी कह सकते हो। तो इनर टू हाइलम ए ब्रॉड फनल शेप स्पेस कॉल्ड रीनल पैल्विस। अब ये रीनल पैल्विस क्या है? तो जैसे ही किडनी के अंदर की तरफ झांकोगे आप, ये वाला स्ट्रक्चर, ये हाइलम है। ठीक है, मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करता हूं। ये दिख रहा है येलो कलर, ये हाइलम है। फिर मैं पिंक कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये है इसके पास पेल्विस। ठीक है, अगर एक किडनी को, एक खाली किडनी को अपन निकाले तो कुछ ऐसे दिखेगी। तो ये तो हो गया इसका हाइलम वाला पॉइंट, ये क्या हो गया हाइलम। अब इसके अंदर यहां एक स्पेस होगा, ये रीनल पिरामिड्स होते हैं। ठीक है, ये रीनल पिरामिड्स हैं। अब ये जो स्पेस बचा हुआ है ना, जहां मैं डॉट बना रहा, ये खाली स्पेस क्या कहलाता है? ये कहलाता है पेल्विस। ठीक है, ये खाली स्पेस क्या है बच्चों? ये पेल्विस है। तो यहां आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा किडनी का पेल्विस है। तो जहां से एंटर हो रहा है वो वाला हिस्सा क्या है? हाइलम है। और जहां आगे खाली स्पेस है वो पेल्विस है। ये रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, क्लियर है ना? थोड़ी आप वीडियो क्वालिटी अगर आप लो पे देख रहे हो तो हाई करके देखें, आपको डायग्राम अच्छे से विजुअल होगा। तो फनल शेप स्पेस प्रेजेंट होता है जिसे क्या कहते हैं? रीनल पेल्विस। रीनल टर्म कहीं भी आ जाए किडनी से बिलोंग करती है। कुछ ये बेसिक होते हैं जैसे गैस्ट्रिक स्टमक के लिए, इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइन के लिए, हिपेटिक लीवर के लिए, कार्डिया हार्ट के लिए, इसी तरह से रीनल टर्म जो है वो किडनी के लिए होती है। फिर पेल्विस विद द प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलिक्स या कैलिसेज। अब ये कैलिक्स क्या होता है, इसका मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। ठीक है ना, नेक्स्ट पेज पर इसका किडनी का डायग्राम है, ये देखिए यहां पर। तो बहुत ही अच्छा डायग्राम है ये वाला रीजन जो है, ये देखो, ये हिस्सा जो है वो है हाइलम। गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा, ये जो खाली स्पेस है, ये खाली स्पेस है पेल्विस। ठीक है, बट ये खाली स्पेस को मैं अलग से रिप्रेजेंट करूं ना, तो ये खाली स्पेस कुछ इस तरह का है, यूं है, उसके बाद यूं है, उसके बाद ऐसे है। ठीक है, यू। तो ये जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये जो कि पिरामिड, ये जो आपको रीनल पिरामिड दिख रहा है, ये प्रोजेक्शन के आगे का हिस्सा, यानी कि ये वाला पॉइंट कैलिक्स कहलाता है। ये वाला पॉइंट जो है वो कैलिक्स कहलाता है। ये देखो, ये आगे वाला हिस्सा, ये आगे वाला जो प्रोजेक्शन है, तो पेल्विस का मैं एक प्रोजेक्शन दिखाता हूं आपको। जैसे ये वाला हिस्सा पेल्विस है और ये पेल्विस यूं है, यूं। तो ये जो मैंने अभी ग्रीन में मैं मार्क कर रहा हूं ना, ये हिस्सा कैलिक्स है। और इधर मैं जो पिंक कलर से मार्क कर रहा हूं, ये हिस्सा पेल्विस है। तो पेल्विस का प्रोजेक्शन, अब मैं जैसे बताऊं आपको, ये हो गया, यूं 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 हो गया। तो इसके भीतर वाला हिस्सा ये तो आ गया पेल्विस। ठीक है, और अब ये वाला हिस्सा जो बचा है, ये जो प्रोजेक्शन है ना, ये स्पेस, ये कैलिक्स है। ये स्पेस जो है ये कैलिक्स है। समझ आ रही है बात? तो ये जो स्पेस होता है ना, इस स्पेस को प्रोजेक्शन जो है, ये भी स्पेस का ही पार्ट है। इस प्रोजेक्शन वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? इसे कैलिक्स कहा जाता है। ठीक है, बात पल्ले पड़ी? आगे देखो, तो रीनल पेल्विस विद द प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलिस, ये प्लूरल टर्म है, और सिंगुलर टर्म जो होती है वो कैलिक्स बोल देते हैं, कैलिक्स। तो द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज ए टफ कैप्सूल, जिसे क्या कहते हैं? फटाफट बताइए। रीनल कैप्सूल कहा जाता है ना, आउटर जो सरफेस होती है किडनी की, वो एक टफ कनेक्टिव टिश्यू का कैप्सूल बना होता है, जिसे रीनल कैप्सूल कहते हैं। इनसाइड किडनी दो जोन होते हैं, आउटर जोन कोर्टेक्स होता है, इनर जोन मेड्यूला होता है। आप यूं मान लो, वही सेम अभी जैसा मैंने आपको बताया था, ये किडनी है,
इसका आउटर जोन और इनर जोन। तो ये जो आउटर जोन है ये तो हो जाएगा कोर्टेक्स, और ये इनर वाला हो जाएगा मेड्यूला। फिर मेड्यूला जो है वो डिवाइडेड इंटू फ्यू कॉनिकल मासेज, मेड्यूलरी पिरामिड्स। तो इस मेड्यूला रीजन के अंदर है ये जो दिख रहे हैं ना आपको, इन्हें क्या कहते हैं? मेड्यूलरी पिरामिड कहते हैं। और बताऊं मैं, जैसे ये है, इस रीजन के अंदर आपको यू पिरामिड शेप स्ट्रक्चर दिखाई देती है। इन पिरामिड्स को क्या कहते हैं? इन पिरामिड्स को मेड्यूलरी पिरामिड कहा जाता है। ये क्या होते हैं? मेड्यूलरी पिरामिड। समझ गए ना आप? तो ये है मेड्यूलरी पिरामिड्स। एक और बना देता हूं ये। तो अब इसके ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो जिसको मैं ब्लू मार्क से कर रहा हूं, ये तो है कोर्टेक्स वाला रीजन। और अब ये जो मैं येलो मार्क कर रहा हूं इसके अंदर, ये वाला रीजन जो है ये है मेड्यूला। और ये जो खाली स्पेस है, ये जो खाली स्पेस आपको दिखाई दे रहा है जिसको मैंने ब्लैक मार्क किया है, ये है कौन सा? पेल्विस। और ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग क्या है? ये ओपनिंग है हाइलम। बात समझ में आई कि हाइलम, पेल्विस, मेड्यूलरी पिरामिड, कोर्टेक्स, मेड्यूला, कैलिक्स, एक एक चीज जो है वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो मेड्यूलरी पिरामिड बोलते हैं। तो प्रोजेक्शन इनटू कैलिक्स। अब ये देखिए, अब देखिए, आप यूं समझिए कि ये एक मेड्यूलरी पिरामिड, ये एक मेड्यूलरी पिरामिड है। और इस ये मेड्यूलरी पिरामिड जो है ये किसमें ओपन हो रहा है? ये मेड्यूलरी पिरामिड ओपन हो रहा है कैलिक्स के अंदर। ठीक है, ऐसे है। अब दूसरा मेड्यूलरी पिरामिड बना देते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ये दूसरा मेड्यूलरी पिरामिड हो गया। अब दूसरा मेड्यूलरी पिरामिड भी इसी की तरह है, कैलिक्स वाले रीजन में ओपन होगा। अब मुझे बताएं कैलिक्स कौन सा है? तो अब कैलिक्स रीजन जो है ना, ये रीजन कैलिक्स है, जहां मैं सी लिख रहा हूं ये रीजन कैलिक्स है। और पेल्विस कौन सा है? जहां मैं पी लिख रहा हूं ये रीजन पेल्विस है। तो ये आप यूं समझ लो कि ये बाउंड्री है। ठीक है ना, तो ये पेल्विस है। और पेल्विस का प्रोजेक्शन जैसे, ये खाली स्पेस है, ये इधर जा रहा है, ये खाली स्पेस इधर जा रहा है, तो यहां वाला रीजन कैलिक्स है। बात समझ में आ रही है? या ये वाला रीजन कैलिक्स है, ये वाला रीजन कैलिक्स है। और पेल्विस कौन सा रीजन है? ये वाला रीजन है पेल्विस है। ठीक है, फिर भी सही समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। कोर्टेक्स जो होता है एक्सटेंड बिटवीन द आउटर सरफेस और मेड्यूलरी रीजन। कोर्टेक्स किससे? मेड्यूलरी पिरामिड हो गए। पूरा स्टेटमेंट देखिए, द कोर्टेक्स एक्सटेंड बिटवीन, अच्छा ठीक है, इसने कॉलम ऑफ बर्टिनी के बारे में बात करा है। तो एक्सटेंड बिटवीन मेड्यूलरी पिरामिड एज ए रीनल कॉलम, और इन रीनल कॉलम्स को क्या कहते हैं? कॉलम ऑफ बर्टिनी कहा जाता है। जैसे कि ये वाला रीजन, अब ये है कोर्टेक्स। तो ये कोर्टेक्स ऐसे है, ये कोर्टेक्स, ये जो ब्लू वाला एरिया है ना, ये ब्लू वाला एरिया क्या है? कोर्टेक्स का है। ब्लू वाला एरिया की जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री कोर्टेक्स की है। ठीक है, तो ये जो है ये क्या कहलाते हैं? ये कॉलम ऑफ रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टिनी कहलाते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा और एक इंपॉर्टेंट सवाल है। कैलिक्स क्या है? पेल्विस का प्रोजेक्शन। और कॉलम ऑफ बर्टिनी या रीनल कॉलम क्या है? कोर्टेक्स के प्रोजेक्शन। तो कोर्टेक्स के प्रोजेक्शन जो कि पेल्विस की तरफ है, ठीक है, वो तो है कॉलम ऑफ बर्टिनी और रीनल कॉलम। और जो पेल्विस के प्रोजेक्शन टुवर्ड कोर्टेक्स और रीनल मेड्यूला है या मेड्यूलरी पिरामिड है, ठीक है, उन्हें कहते हैं कैलिक्स। तो कैलिक्स जो है वो पेल्विस के प्रोजेक्शन है, और कॉलम ऑफ बर्टिनी जो है वो किसके हैं? कोर्टेक्स के प्रोजेक्शंस है। तो ये है कॉलम ऑफ बर्टिनी। ठीक है, ये है कॉलम ऑफ बर्टिनी। तो अब कैलिक्स कौन सा होगा? कैलिक्स है ये हिस्सा कैलिक्स है। ठीक है, वो मैंने उसके अंदर तक पहुंचा दिया, ये वाला इतना, ये जो खाली स्पेस है ब्राउन ब्राउन वाला, ये कैलिक्स है, ये वाला कैलिक्स है, ये वाला कैलिक्स है, ये कैलिक्स है। समझ आ रही है बात? ये क्या है? ये कॉलम ऑफ बर्टिनी या रीनल कॉलम है।
ये कोलोमोबर्टिनी या रेनल कॉलम, कोलोमोबर्टिनी या रेनल कॉलम है, समझ आ रही है ना? कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर बच्चों, क्योंकि मैं यहां कैमरा को पढ़ा रहा हूं तो मान के चल रहा हूं आपको क्लियर हो रहा है। फिर प्रत्येक किडनी जो होती है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, हाइली ट्यूबुल स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख। तो प्रत्येक किडनी में कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है नेफ्रॉन, तो दो में कितनी हो जाएगी, 20 लाख। तो हमारी दोनों किडनी में तकरीबन तकरीबन 20 लाख नेफ्रॉन देखने को मिलते हैं, जो कि फंक्शनल यूनिट है। आपसे पूछा जाए कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, देन योर आंसर विल बी नेफ्रॉन्स। प्रत्येक नेफ्रॉन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है ग्लोमेरुलस और एक होता है रीनल ट्यूब्यूल्स। तो ग्लोमेरुलस जो है वो ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा होता है। ग्लोमेरुलस क्या है, इज ए टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय एफरेंट एट्रियोल। ठीक है, एफरेंट एट्रियोल जो होती है वो एंटर करती है। तो एफरेंट से आप याद रख सकते हो, एफरेंट से आती है। एफरेंट की स्पेलिंग कैसे स्टार्ट होती है, ए से, तो एफरेंट से आती है। और ई, इफरेंट जो है ई से एग्जिट होती है, इफरेंट से एग्जिट होती है और एफरेंट से आती है। तो एफरेंट एट्रियोल वोमेन कैप्सूल में एंटर करती है, वहां गुच्छा बनाती है, उस गुच्छे को ग्लोमेरुलस कहते हैं। फिर फाइन ब्रांच ऑफ रिनल आर्टरीज है ये, ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस कैरिड अवे फ्रॉम द इफरेंट एट्रियोल। तो एफरेंट तो ब्लड को लेकर आता है, बात समझ आ रही है, एफरेंट ब्लड को लेकर आता है, इफरेंट ब्लड को लेकर जाती है। ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल जो होती है वो बिगिन विद द डबल वॉल, इंपॉर्टेंट, ये कैसा है, डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे बोमेन कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, यहां से रीनल ट्यूब्यूल्स की स्टार्टिंग होती है, एनक्लोज द ग्लोमेरुलस, जो कि ग्लोमेरुलस को घेर के रखता है। ग्लोमेरुलस अलोंग विद द बोमेन कैप्सूल कॉल्ड मेल्पिकियन बॉडी और रीनल कार्पल्स। ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन कैप्सूल दोनों को कंबाइनली क्या कहा जाता है, मेल्पिगियन बॉडी या रिनल कार्पल्स कहा जाता है। फिर ट्यूब्यूल जो होती है, पहला जो शुरुआत का हाईली कोइल्ड पोर्शन होता है उसे प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी कहते हैं। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, बेसिक स्ट्रक्चर है इसका, काम अपन बाद में देखेंगे। जैसे ये है, ये एफरेंट एट्रियोल अंदर आई, ठीक है, ये जो नेटवर्क है इसे क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस, और इफरेंट एट्रियोल बाहर चली गई, इफरेंट एट्रियोल बाहर चली गई। अब ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, ध्यान रखिएगा ये क्या है, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है। बोमेन कैप्सूल में ये कौन सी कैपिलरीज है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, और ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, समझ गए? अब इस पूरी स्ट्रक्चर को, जिसमें बोमेन कैप्सूल, ये येलो वाला बोमेन कैप्सूल है डबल वॉल, और ये रेड वाली जो है ये ग्लोमेरुलस है, तो बोमेन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलर, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं मेल्पिगियन बॉडी या रिनल कॉर्पल्स। ये एक मेल्पिगियन बॉडी या रिनल कॉर्पल्स है। अब यहां से ये जो स्टार्ट हुआ है ये है पीसीटी, ये क्या है, ये है बच्चों पीसीटी, ये जो पिंक वाली है अभी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये पीसीटी है। फिर ये डिसेंडिंग लिम है जो नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ जो आ रहा है ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप है। ठीक है, फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप है। ठीक है, ये असेंडिंग है, ये डिसेंडिंग है, तो फिर वासा रेक्टा क्या है, वासा रेक्टा ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का ये जो नेटवर्क है, यहां से यू शेप जो स्ट्रक्चर बन रही है ना इन ब्लड वेसल्स की, इसे वासा रेक्टा कहते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल की जो यू शेप स्ट्रक्चर है उसे क्या कहा जाता है, उसे वासा रेक्टा कहा जाता है। तो जो ढलने वाला है नीचे की तरफ आ रहा है रीनल ट्यूब्यूल का सीक्वेंस, वो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप है, और जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये असेंडिंग लिम है। आप ये देखिए, रीनल ट्यूब्यूल्स ये येलो वाली है जो कि बोमेन कैप्सूल से स्टार्ट हो रही है, ये क्या है, येलो वाली जो स्ट्रक्चर है ये रीनल ट्यूब्यूल्स है, ये रीनल ट्यूब्यूल है, समझ गए?
और ये जो रेड वाली स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, रेड वाली, ये रेड वाली क्या है? ये ब्लड वेसल्स है जो कि रिनल ट्यूब्यूल से उसके साथ में नेटवर्क बनाएगा। समझ गए? तो सबसे पहले रिने इसकी बात करें तो पीसीटी आ गई, पीसीटी के बाद में हेलने लूप का डिसेंडिंग लिम और उसके बाद में असेंडिंग लिम, फिर आ जाती है डीसीटी, डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और फिर फाइनली ये कौन सी होगी? ये बड़े वाली कलेक्टिंग डक्ट होगी। तो ये तो रिनल ट्यूब्यूल का सीक्वेंस है। कैसे? बोमेन कैप्सूल, बीसी मतलब बोमेन कैप्सूल, ठीक है, उसके बाद में पीसीटी, उसके बाद में हेलने लूप, उसके बाद में डीसीटी, और उसके बाद में कलेक्टिंग डक्ट सीडी, ये सीक्वेंस है, समझ गए? और ये रेड वाली जो है ये ब्लड वेसल्स। क्लियर हो गया बच्चों? कोई दिक्कत यहां इस डायग्राम के अंदर समझने में? यहां आप देख सकते हैं ये एक मैल्पिगियन बॉडी या रिनल कॉर्पल्स का डायग्राम। तो एफरेंट एट्रियोल आ रही है, ये बहुत सारा नेटवर्क बन रहा है, इफरेंट एट्रियोल बाहर निकल रही है। अब एट्रियोल है यहां पर, तुम इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि ऑक्सीजनेटेड कौन सा है और डीऑक्सीजनेटेड कौन सा है, ये कंफ्यूजन मत रखना बच्चों। यहां तुम्हें सिर्फ अभी आर्टरी की बात कर रहे हैं, ये ऑक्सीजनेटेड है, तो इस चीज में कंफ्यूजन मत हो जाना कि ये ऑक्सीजनेटेड है कि डीऑक्सीजनेटेड, ऐसा नहीं है यहां कुछ भी। क्लियर तो हेलने लूप होता कैसा है? हेलने लूप की बात करेंगे तो हेलने लूप एक हेयर पिन शेप स्ट्रक्चर है, यानी कि यूं इस तरह का, ठीक है, ये नीचे आने वाला डिसेंडिंग और ये ऊपर जाने वाला असेंडिंग। नेक्स्ट पार्ट जो है ट्यूब्यूल्स का हैज द डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम, हेलने लूप के अंदर इंक्लूडेड है। इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल विच हैज ए डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम। तो पीसीटी के बाद में एक हेयर पिन जैसा आपको लूप स्ट्रक्चर दिखाई पड़ती है, इसे हेलने लूप कहते हैं। ये ट्यूब्यूल का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें डिसेंडिंग लिम और असेंडिंग लिम होते हैं। असेंडिंग लिम कॉन्टिन्यूस अनदर हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर रीजन, आगे डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी। तो डिसेंडिंग लिम जो, सॉरी, असेंडिंग लिम जो होगा वो आगे कंटिन्यू होगा किसके साथ में? डीसीटी के साथ। पीसीटी, डिसेंडिंग लिम, असेंडिंग लिम, डीसीटी, और डीसीटी जो है कई नेफ्रॉन की डीसीटी एक स्ट्रेट ट्यूब में ओपन होती है जिसे कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, और मेनी कॉन्वर्ज एंड ओपन इनटू द रीनल पेल्विस थ्रू द मेड्यूलरी पिरामिड इन द कैलिक्स। तो मेड्यूलरी पिरामिड, वही ये मेड्यूलरी पिरामिड है, इसके अंदर नेफ्रॉन है, और ये वाला रीजन जो होगा ये तो कॉलम ऑफ ब्रिटेनी आ गया, है ना, ये भी कॉलम ऑफ ब्रिटेनी आ गया, ये रीजन है पिरामिड का, और ये है कैलिक्स का, और ये है पेल्विस का, पेल्विस के बाद में आगे हाइलम, और हाइलम से आगे यूरेटर। कोई समस्या? फिर देखिए मेल्पिगियन कॉर्पल्स जो है पीसीटी डीसीटी ऑफ ए नेफ्रॉन सिचुएटेड इन द कोर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये पूछा हुआ भी है ना, ये क्वेश्चन जो है बच्चों ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, नीट 16 में आया हुआ सवाल है शायद ये कि मेल्पिगियन कॉर्पल्स हो गई, मेल्पिगियन कॉर्पल्स, ठीक है, मेल्पिगियन कॉर्पल्स क्या है? हेल्ले लूप या बोमेन कैप्सूल या ग्लोमेरुलस, बताएं। मेल्पिगियन कॉर्पल्स बोमेन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, इंपॉर्टेंट, बोमेन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस इक्वल्स टू मेल्पिगियन कार्पल, बोमेन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस इक्वल्स टू मेल्पिगियन कार्पल, फिर पीसीटी और डीसीटी, ये कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होती है। आप ये मत समझना कि ये जो पिरामिड है इसके अंदर ही नेफ्रॉन होगा, नेफ्रॉन का कुछ हिस्सा इसके अंदर होता है और कुछ हिस्सा ऊपर कोर्टेक्स रीजन में होता है। तो काफी सारे नेफ्रॉन जो है वो कंप्लीटली कोर्टेक्स में होते हैं, तो जो कंप्लीटली कोर्टेक्स में होते हैं उन्हें कोर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं, और कुछ हिस्सा कोर्टेक्स और कुछ हिस्सा इस मेड्यूलरी पिरामिड में होते हैं उन्हें कहते हैं जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन,
उन्हें जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रोन, यानी कि वो मेड्यूला और कॉर्टेक्स के जंक्शन पर है। तो कुछ कंप्लीटली कॉर्टेक्स रीजन में है, कुछ कॉर्टेक्स और मेड्यूला के जंक्शन पर है, और रीनल पिरामिड मेड्यूला रीजन में होते हैं, ठीक है ना। तो इसके अलावा देखिए कि मेलपिगियन कॉर्पल्स, पीसीटी और डीसीटी, ये तो कॉर्टिकल रीजन में हो गए। फिर हेनले लूप, ठीक है, वेयर द हेनले लूप टिप्स इनटू द मेड्यूला, गहराई तक आया होता है इन मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन। द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू मेड्यूला, सच नेफ्रॉन आर कॉल्ड कोर्टिकल नेफ्रॉन। तो ऐसे नेफ्रॉन जिनका हेनले लूप बहुत ही छोटा है और मेड्यूला में थोड़ा सा आके आया हुआ है, उसे तो कहते हैं कोर्टिकल नेफ्रॉन। और इन सम नेफ्रॉन हेनले लूप वेरी लॉन्ग होता है, रन डीप इनटू मेड्यूला, यानी मेड्यूला में बहुत अंदर तक आया होता है। ऐसे नेफ्रॉन्स को जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन कहते हैं। तो जो मेड्यूला और कोर्टेक्स दोनों में होते हैं वो जक्स्ट्रा मेड्यूलरी है, और जो कोर्टेक्स में होते हैं वो कोर्टिकल है। द एफरेंट एट्रियोल अमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फॉर्म ए फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल कॉल्ड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो अब ग्लोमेरुलस से निकलने के बाद इफरेंट एट्रियोल आगे चलकर फाइन कैपिलरीज बनाती हैं, जो कि किसके आसपास होती हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स के अराउंड होती हैं, उन्हें पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहा जाता है, अभी मैंने आपको बताया था। और हेनले लूप पर एक यू शेप स्ट्रक्चर बनती है ब्लड वेसल की, एक माइन्यूट ब्लड वेसल जिसे वासा रेक्टा कहते हैं। वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कोर्टिकल नेफ्रॉन। कोर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर वासा रेक्टा या तो हाईली रिड्यूस होती है या फिर एब्सेंट ही होती है। तो ये देखिए, इन चीजों को मैं फिर से दिखाता हूं। ये देखो, ये स्ट्रक्चर देख रहे थे, है ना। तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो है वो ये है बच्चों, ये क्या है, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। किससे बन रही है ये देखो, इससे इफरेंट एट्रियोल बाहर निकलकर यहां से बनाना शुरू किया है इसने, रीनल ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ। और लास्ट में ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है ब्लड वेसल की, इसे क्या कहते हैं, इसे वासा रेक्टा। समझ आ गई बात। सो बच्चों, इसी के साथ आज का सेशन, आई होप आपको अच्छा लगा है लेक्चर, अपना फीडबैक जरूर दें। मैं आज दिन भर थका हुआ था बहुत ही, और अभी भी काफी थकान हो रही है, क्योंकि पूरे दिन ऑफलाइन क्लास होती है, फिर शाम को ऑनलाइन क्लास लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट फिर भी कोशिश रहती है कि चलो ऐसे खाली बैठे क्या करेंगे, पढ़ लेते हैं, खुद की भी रिवीजन हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज का सेशन इतना ही, आगे नेक्स्ट सेशन के अंदर आगे फर्दर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको अच्छा लगा हो लेक्चर, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। टाटा बाय बाय, टेक केयर।